वेलकम बैक टू मैथ प्लस मोटिवेशन विद्यालय। सर आप देख सकते हैं आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना जिसे आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि इस बार चूँकि कोरोना संक्रमण की वजह से कुछ बच्चे एडमिशन लेने से वंचित रह गए हैं और काफ़ी चिंतित थे कि यदि डेट नहीं बढ़ी एडमिशन की तो कैसे वो बोर्ड एग्ज़ाम दे पाएंगे या कैसे उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा विज्ञप्ति जारी हो गई है। आप देख सकते हैं नवीन समय सारिणी हमारे सामने आ चुकी है। अभी पूर्व में संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं का कक्षा 10 तथा कक्षा 12 में प्रवेश लेने तथा परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि थी वो आप देखिए 5 अगस्त 2020 थी और 5 अगस्त 2020 बीत चुकी है और इस दौरान जिन छात्रों ने नहीं फीस जमा कर पाया बोर्ड परीक्षा शुल्क तो निश्चित रूप से वो बोर्ड परीक्षा से वंचित होते, लेकिन उन्हें एक मौका दे दिया गया। 31 अगस्त 2020 तक नवीन संशोधित तिथि है, 31 अगस्त 2020 तक आप बोर्ड परीक्षा शुल्क हर हाल में अपने विद्यालय में जमा कर दें, अन्यथा की स्थिति में कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने से वंचित होंगे। तो ये आपको मौका मिल गया है, बहुत अच्छा मौका मिला है। और इसके बाद जो डेट यहाँ पे है आप देख सकते हैं संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं का कक्षा 10 कक्षा 12 में प्रवेश लेने तथा परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो जो परीक्षा शुल्क है उसको एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी यहाँ घोषित हो चुकी है। 10 अगस्त 2020 पहले थी, अब हो गई है 7 सितंबर 2020 तक। तो इस तरह से बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आ चुकी है। नवीन संशोधित तिथि आ चुकी है, 31 अगस्त 2020 तक आप जिस विद्यालय में कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ते रहे हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए यदि आप कक्षा 10 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको 31 अगस्त 2020 से पहले पहले हर हाल में बोर्ड परीक्षा शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप बोर्ड परीक्षा देने से वंचित होंगे। अब बात करते हैं कक्षा 9 और कक्षा 11 की बात, क्योंकि कक्षा 9 और 11 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कक्षा 9 और 11 में भी छात्र छात्राओं की जो प्रवेश की अंतिम तिथि थी वो 5 अगस्त 2020 निर्धारित थी। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से डेट में परिवर्तन किया गया है। नवीन संशोधित तिथि आ चुकी है, 31 अगस्त 2020 तक यहाँ पर भी एडमिशन लेने की डेट घोषित की गई है। और यदि आप 31 अगस्त से पहले पहले एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में निश्चित रूप से आपका पंजीकरण नहीं हो पाएगा और बगैर पंजीकरण के आप क्लास 9th में एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन आपका जब पंजीकरण नहीं होगा तो सच मानिए कि आप नेक्स्ट ईयर आप जो 2020 चल रहा है 2021-2022 में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी हो पाएगा जब आप जिस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो 31 अगस्त 2020 तक आप एडमिशन ले लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण तिथि आप क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के लिए जो क्लास 8 से क्लास 9 में गए हैं और जो क्लास 10th यानी कि 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा आपने, यदि आप पास आउट हो चुके हैं तो अपने विद्यालय में जहाँ आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर आप तुरंत संपर्क कीजिए और वहाँ पर जाकर कम से कम पंजीकरण शुल्क जरूर जमा करें, एडमिशन लें और इसके बाद निश्चित रूप से फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होगा तो आप निश्चिंत रहिए और जैसे ही क्लासेस शुरू होंगे वो भी सूचना आपको दी जाएगी। और फिलहाल ऑनलाइन जो स्टडी है वो जारी है। तो आप जानते हैं मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्य सर इस चैनल के माध्यम से हम मैथ्स और अन्य सब्जेक्ट भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्य सर के साथ। आज आपने इस वीडियो को देखा और साथ ही साथ आपने जो नवीन संशोधित डेट है उसका लाभ उठाया, आप इससे वाकिफ हो गए हैं, आप जान गए हैं कि अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है लेकिन अतिशीघ्र आप एडमिशन ले लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।